हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज श्री और आप देख रहे हो जो स्टाइल स्टाइल तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तीन जुड़ा हेयर स्टाइल यानी कि बन हेयर स्टाइल स्पेशली फॉर होली क्योंकि होली में अगर आप आग बाल खुले रखोगे तो आपके बालों में कलर लग जाएगा और बाद में बहुत ही प्रॉब्लम होती है तो गाइस एनीवेज तो पहला बन बहुत ही आसान है तो उससे मैं बनाऊंगी एक ट्विस्टेड बन हेयर स्टाइल आपको क्या करना है अपने बालों को अपने स्ट्रैंड ऑफ हेयर को बस ऐसा ट्विस्ट करनी है ट्विस्ट करने के बाद जस्ट रैप इट अराउंड ऑफ क्राउन एरिया जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही उसके बाद इसको टाई कर सकते हो या क्लिप से बांध सकते हो तो यहाँ पर मैं यूजिंग रब बन टू टाइमर बन इसको अच्छे से टाई करने के बाद आपका बन हेयर स्टाइल कंप्लीट हो जाएगा आप ऐसे भी रख सकते हो बट थोड़ा मेसी एंड बड़ा दिखाने के लिए मैं अपनी बन को बाहर की ओर ऐसे पुल करूंगी ताकि थोड़ा और भी क्यूट लगे तो गाइस इस बन को आप समर में भी वेयर कर सकते हो ये बहुत ही ईजी है और आप कहीं भी कभी भी बना सकते हो इसको तो गाइस दिस इज माई फर्स्ट हेयर स्टाइल तो उसके बाद नॉ लेट्स मोबू माई सेकंड हेयर स्टाइल सेकंड बाल में बहुत ही आसान है सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा एक हाथ से जैसे आप हाई पोनीटल बनाते हो वैसे अपने बाल को ग्रैप करनी होगी और दूसरे हाथ से आपको रबर बैंड से अपनी बन नॉट बन पोनीटिल को बांधनी होगी बट आपको पूरा पोनीटिल नहीं बांधनी है बस इतना सा बांधने के बाद आपको क्या करना है जो बाकी के बाल है उसको बस अपने जो बन का बेस है उसके साइड में ऐसे घुमा कर फिर से रबर बैंड से अच्छे से टाइटली बांध लेनी होगी उसके बाद जो आपने नोब बनाया था उसको आपको क्या करनी होगी ऐसे फैला लेनी होगी उसके ऐसे फैला लेने के बाद दोनों साइड को एक साथ जोड़ कर आपको पीछे में अच्छे से क्लिप कर लेनी होगी तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ जुड़ा पिन टू क्लिप माई बन तो उसके बाद आपका बहुत ही बड़ा सा मेसी वाला बन तैयार हो जाएगा तो गाइज दिस इज माई सेकेंड हेयर स्टाइल अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरा थर्ड हेयर स्टाइल क्या है थर्ड हेयर स्टाइल भी बहुत ही आसान है तो गाइज़ फॉर द थर्ड हेयर स्टाइल सबसे पहले तो आपको बना लेनी होगी एक वेरी हाई पॉनीटेल उसके बाद आई एम यूजिंग हेयर अ डोन बन मे का उसको आपको पहन लेनी होगी हेयर के एंड में देन उसको ऐसे ही फॉल करते रहना होगा आपको जब तक आप बन का जो बेस्ट एरिया है वहाँ तक आप ना पहुँचो अभी थोड़ा मैसे लगेगा बट एंड रिज़ल्ट मैटर करता है और एंड रिज़ल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा तो गैस उसके बाद आपको क्या करना होगा जो बाकी के बचे हुए बाल है यानी कि जो बाहर निकले हुए बाल है उसको बस आपको क्लिप कर लेनी होगी या आप रबर बैंड से भी इसको अच्छे से टाई कर सकते हो यहाँ पे यूजिंग अ रबर बैन टू टाइमर बैन और उसके बाद आपको थर्ड बैन भी मिल जाएगा अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए भी ना कहीं मैं चना अगर आपको तीनों बैन अच्छा लगे तो डोंट टू लीव अ लाइक सो गाइस हैप्पी होली सी एस मै बाय टेक केयर